हैप्पी बर्थडे टू यू टू यू। ये बैलून तो फोड़ो, वो बिल्ली लोग नहीं आए। चलो चलो तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी दिन के 1:02 हो रहे हैं और मैं अभी कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस अभी मैं आ ही रहा हूँ ड्यूटी से। तो गाइस आज मानसी का बर्थडे है। मानसी कहाँ है? और ये लोग यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और ये रही मानसी, तो इसका बर्थडे है आज। तो तैयार इसमें नहा लिया है, तो मैं तो पूरा भीग चुका हूँ, इतनी धूप हो रही है। गोली लाऊं? तो एक गोली खा लेती है। बहुत देर हो चुकी है पर हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो अब खाएंगे हम खाना रोटी। 3 बजने वाले हैं और हमने अभी तक सुबह नाश्ता भी नहीं किया आज। पानी जल्दी आते हो यार, खाना खा रहे हैं। खाना तो खा लिया हमने और हम जा रहे चिकन पकौड़ी लेने। मानसी में आ चुके हैं हम घर और ला चुके हैं चौमीन, चिकन पकौड़ी, सब कुछ। अरे सच बता दे यार, ये रही। तो अभी खाते हैं। कन्नू पता नहीं कहाँ है, कन्नू कहाँ है? कन्नू खाने के नाम पे इतनी जल्दी जल्दी आई। मुझे मंजूती के लिए भी रखना है। ये चिकन पकौड़ी है। इतनी है? ये मेरा। इतनी है सच में? मंजूरी के लिए रख दी। ये मेरा। मम्मी को देते हो? चिकन पकौड़ी खा लिए। एक जगह घुमा के ला रहा हूँ, पता नहीं है वो एक जगह है कौन सी। तो इसलिए सुबह से घर में बोर हो गई है, इसलिए थोड़ा सा इसे घुमा, इसलिए इसे थोड़ा सा घुमा के ला रहे बर्थडे के लिए। देखते हैं कहाँ तक जा रहे हो। गाइस हेलमेट पहन लिया हमने और अब हम जा रहे हैं सीधे काठगोदाम साइड को। तो देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाए हम। तो इसे घुमा के ला रहा हूँ थोड़ी देर, तो इंजॉय लीजिए आप भी। हम आ चुके हैं शीतला देवी मंदिर और हम जाने वाले हैं कहाँ? रानी बाग, भोले शंकर से मुलाकात करने। हम आ चुके हैं रानी बाग मंदिर। ये है शिव जी का मंदिर, भोले शंकर का। तो रानी बाग नीचे जाएंगे हम और नीचे दर्शन अर्चन करते हैं, अभी चलते हैं अभी घर पर। हम आ चुके हैं बाग मंदिर में और इधर है मंदिर और नीचे गोला खतरनाक बह रही है और इधर झूलता हुआ पुल। तो ये सारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं उसे, फिर अभी पुल में चलेंगे। अरे कीचड़ में गिर गया। तो यहाँ स्कूटी खड़ी कर दी है और ये दर्शन कर रही है। फटाफट दर्शन करते हैं फिर उधर पुल में जाएंगे। आप जा रहे हैं नीचे, यहाँ सारे बंदर भी हैं जिनसे मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा यहाँ भी है मंदिर।
तो गाइस ये है शनि देव का मंदिर इधर वाला, और ये शिव जी का है, और ये भी शिव जी है इधर। यहाँ शिव जी के दर्शन कर लिए, अब शनि देव के करने हैं। शनि देव जी गाइस हम जा रहे हैं पुल में, दर्शन तो हो चुके हैं और वहाँ से देखते नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। तो आज यहाँ गणेश जी विसर्जन के लिए भी बहुत लोग आए हैं, तो वो भी अब तो चले गए हैं, हम बहुत देर में आए हैं। तो यहाँ अभी भी विसर्जन हो रहा है, तो दिखाते हैं आपको विसर्जन का भी। झूलता हुआ बिल्कुल, बहुत खतरनाक लगता है मुझे तो। हैं वहाँ पानी में, चल पागल। इधर से मिल रही है दो नदियाँ साथ में, देखो उधर का पानी साफ है और इधर का पानी थोड़ा गंदा। ये नीचे जा रहे हैं कह रही है, वहाँ तो मुझे ही डर लग रहा है क्योंकि मैंने तो ऐसे आदमी मैं नहीं जा सकता वहाँ अभी तो नहीं वहाँ यार। चल उधर उधर को जाएंगे जहाँ गणेश विसर्जन कर रहे हैं, नहीं जा रहे यार वहाँ। तो गाइस देखते हैं एक बार जाके, चप्पल यहीं छोड़ के हम जाने वाले हैं नीचे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और ये देखो कितनी फटाफट जा रही है। हम आ चुके हैं नीचे गोला में, और मुझे तो डर लग रहा है। उधर गणेश विसर्जन हो रहा है, उधर जा रहे हैं हम, और इधर तो डरावना नजारा। ऐसे डरना तो नहीं चाहिए, हर आदमी की आती है एक दिन मौत। देखो ये है पत्थर यहाँ के बहुत खतरनाक, और ये है गोला नदी तो बहुत खतरनाक बह रही है, और यहाँ गणेश विसर्जन हो रहा है ऊपर। मज्जा इधर को, मज्जा बहुत तेज पानी है उधर, मज्जा उधर मत चले जाना, बहुत तेज है, गिर जाएगी गलती से भी ना। गाइस बहुत तगड़ा पानी आ रहा है, बहुत ही तेज। क्या कर रही है उधर, गिरेगी कह रहा हूँ, बहुत गहरा है वो, उधर मत जा, मजाक मत समझ लीजिए, बहुत तेज है, बारिश हो रही है ऊपर को। मैं भी पाँव तो भिगा ही लेता हूँ पानी में। चल अब चलते हैं, तो गाइस अब चलते हैं ऊपर और मस्ती भी कर ली है, इसने देख भी लिया। और यह है ऊपर वाला झूलता हुआ पुल, तो अब हम इस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते से अभी हम उस रास्ते से गए थे, अब यहाँ से जा रहे हैं। तो बर्थडे के दिन बहुत घूम लिया इसने, शिव जी के दर्शन हो गए, वही बहुत है। तो गाइस ऊपर पहुँच चुके और ये इतना दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँच गई। तो गाइस दर्शन तो हो चुके हैं, मान जी के लिए केक वेक भी ले जाना है, तो अब सीधे चलते हैं हम घर को, और इसके लिए केक लेना है। तो गाइस सीधे चलते हैं और मिलते हैं फिर आपको सीधे घर जाके, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया आज का। तो अभी चलते हैं सीधे, मिलते हैं घर और काटते हैं इसका केक और करते हैं एंजॉय पार्टी। चल बैठ। चुके हैं और केक भी लागे, इस केक को फ्रीज में रखते हैं, और मिनी जी भी आ चुकी है। हम करने वाले फटाफट डेकोरेशन, मानसी को भरा दिया हमने इस कमरे से, दरवाजे बंद कर देते हैं। ईशु कन्नु आ रहे हैं, कन्नु आ चुकी है, ऐसे फुलाते फुलाते लड़ने लग गई है। अरे यार फुलाओ तो। तो गाइस हमने सजा तो दिया है, तो अब पता नहीं कैसा लग रहा है, तो जैसा भी सजाया है बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइस अभी मानती हूँ बताएंगे, सरप्राइज हो जाएगी, मतलब सरप्राइज के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूं गाइस। देखो एक पहले का ही है गाइस। तो गाइस अभी मामा लोग सब आने वाले हैं, तो हम तो डीजे लगा रहे हैं, मामा लोग भी सब आ गए हैं, और मानसी को देखो तैयार कर दिया मैंने।
और देखो पूरा डेकोरेशन भी तो गाइस बताना कमेंट करके कि कैसी लग रही है यहाँ पे। मानसी का डांस देखो, मानसी करने वाली है डांस। और लोगों तो बुखार ही आया वरना सब लोग कर दे। केक आ चुके हैं, ये रहा केक। और सब लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो फिर लगा गाने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये चलो चलो फोटो से होगा केक का बाट बाट सबको बटेगा। तो फिर अभी खाते हैं खाना। खाना बन चुका है और यहाँ है सब लोग और यहाँ भी है। तो अभी खाते हैं खाना, इसके बाद अब खाना खाते हैं। खाना बन चुका है, फटाफट खाते हैं खाना, जल्दी आओ। मेरे बिस्तर तो लग चुका है हमारा और अब सोते हैं। तो वैसे आज तो बहुत देर हो चुकी है पर कन्नू अभी काम करती है। आजकल रोज रोज स्कूल का ज़्यादा ही काम मिल जा रहा है, तो वैसे भी करेगी और मैं भी इसका साथ पूरा दूंगा जब तक करेगी। तो वैसे आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।